हम मैरिज के लिए जाएं तो हम अगले से क्या सवाल पूछें जिसके साथ हम रिश्ता करना चाहते हैं, लड़की है या लड़का है, लड़की वाले लड़के से क्या पूछें, लड़के वाले लड़की से क्या पूछें। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप अपने गोइंग टू बी लाइफ पार्टनर से, इफ यू वॉन्ट दैट पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर, एक सवाल पूछें, आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप से खुश हो। पहली तो बात, आप जब इस सवाल को सुनेंगे आप कहेंगे कि यार इसमें क्या है, हर बंदा अपने आप से खुश होता है। लेकिन थोड़ा सा जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस सवाल की डेप्थ क्या है। असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंसान अपने आप से खुश नहीं है, जिस इंसान की लड़ाई अपने आप से चल रही है, इनर बैटल्स चल रही हैं, स्ट्रगल्स चल रही हैं, तो वो दूसरे को भी कभी खुश नहीं रख सकता, ना दूसरा उसके साथ कभी खुश रह सकता है। हम कभी भी रिश्ता करने से पहले अगले की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करते, ना पता कराने की कोशिश करते, क्योंकि हमें वो पैरामीटर्स ही नहीं पता कि कैसे पता कराया जाए। ऑल वी सी इज जॉब, फाइनेंस, लड़की का तो रंग देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, कद देखा जाता है, लड़के की हाइट देखी जाती है या लड़के की जॉब देखी जाती है, करियर देखा जाता है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस नहीं किए जाते जिनसे अगले की पर्सनैलिटी का पता लगता है। ये कितना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप से खुश हो, अगर तो हो तो फिर तुम दूसरों को भी खुश रख सकते। लेकिन अगर तुम्हारे अपने अंदर ही जंग चल रही है, अगर तुम खुद स्ट्रगल कर रहे हो, then the other person is definitely going to become collateral damage. तुम अगले को भी डैमेज करो। So these are very important and basic questions which we should be asking to ourselves and to others as well. Somewhere down the line हमने खुश रहना ही छोड़ दिया, और खुश रहना ही छोड़ देने की वजह वही है कि false parameters के पीछे भागना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना।